गर्मी से पसीना पसीना हो रहा है। अब वो अपने सिक्स पैक्स दिखाएगा। गर्मी में बेचारा और क्या करेगा। बहुत अच्छे, ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। गलत टाइम पर बर्फ गिर रही है। पर गर्मी के सीजन में बर्फ कहाँ से गिर रही है। पोग वैली में स्नोफॉल हो रहा है। गर्मी के सीजन में ये चमत्कार पहली बार हुआ है, तो स्कूल में छुट्टी और बच्चों की ऐश। तुम लैब में गए होगे और अपनी ऊट पटान हरकतों से मेरे। नहीं, ये झूठ है, पर हम तो पे इगोला जरूर फेंके हैं। हमने तो लैब से सिर्फ एक मॉन्स्टर चुराया, ये वाटर प्रूफ को टन से बचा दिया है। चलो गोले बना। ये झूठे तो आज झट बोल रहे हैं। तो फिर क्या ये बर्फ आसमान से गिर रही है? इससे तो हम दिल के सिक्स पैक नहीं देख पाएंगे। हमारा ये स्नो वॉरियर तैयार हो गया है। स्कूल में जब तक छुट्टी है हम इससे ही खेलेंगे। अगर ये स्नो वॉरियर जिंदा होकर हमारे साथ खेली। चलो मेरे चड्डी बड्डी, हमें जादुई टोपी चाहिए। कुछ तो जोर है, हमारे कंप्यूटर पर तो बर्फ दिख ही नहीं रही, मतलब स्नो फॉल नकली है। हमें जादुई टोपी चाहिए, तो उसके लिए उड़ू सर फोड़ू क्या करूँ। कुछ नहीं करना होगा, ये लो ये टोपी, एटॉमिक हीट फाइबर से बनी है। इसे स्नो वॉरियर पर रख दो, जैसे ही इसके सर्किट से उसे शॉर्ट सर्किट लगेगा वो तुरंत जिंदा हो जाएगा। पर वो तो तुम्हारी बेबी डॉल वाली सिंपल टोपी है ना, जो डॉल्स को पहनाती थी। हाँ, पर अब वो हमारा खींचा तो नहीं खाएगा। अब हम जल्दी से बर्फ को पिघलाएंगे और सिल्क के सिक्स पैक देख सकेंगे। करना थी, 20 मिनट तो हो चुके हैं, अब का जिंदा होने में 20 साल लगे हैं। तुम लोगों ने हमें टोपी पहनाई, हमने तुम्हें टोपी पहनाई, पर कोई और झूठा स्नोफॉल करके सबको टोपी पहना रहा है। ये टोपी मुझे, ये तो बात कर रहा है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही हो, तुमने ना कमाल कर दिया। तुम्हारा एम तो कितना परफेक्ट है। बच्चों, गोला कैसा था? तो ये कॉफी वाले का काम है, तुम फिर दिमाग का। कहाँ से शुरू करूँ, पॉप वैली से। और पहले मैं इंटरेस्ट फैमिली के फैमिली पैक को बस का स्टैचू बना दूँ। आखिर मेरी हिम क्रीम सेना किस दिन काम आएगी। तुम्हारी सेना को तो बस में मिला देंगे, साइंस की कसम। बस में मिल गई तुम्हारी ये हिम क्रीम सेना। हाँ, और फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि इसमें है एटॉमिक घुमावदार स्प्रिंग, जिसकी मदद से ये 360 डिग्री तक मुड़ सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास भी एक आइडिया है। ये गन तो जवाबों का है, जूनियर और सुपर ड्यूकी। ज्यादा हुई गवाह। जल्दी स्काई के मिशन पर जाओ। हम पहुंच गए हैं पेरिस में। टेंशन मत, हम पैसा देंगे। जानते हो ये फ्लाइंग लिफ्ट बप्पी बापू की है। एक बार मुझे किसी फ्लाइंग लिफ्ट में उसने घर तक लिफ्ट दी थी। ब्रेकिंग न्यूज, पोग वैली में स्नो वॉरियर तूफानी बर्फबारी में तूफान मचा रहा है। हमें पेट मुझे बात नहीं करनी चाहिए। चलेगा स्नोमैन अटैक। सब लोग पोग वैली के पीछे हाथ धोकर क्यों पल जाते हैं? क्या उनके घर में साबुन नहीं है? चलो सिपाहियों, हमला करो। आग के गोले से इन बर्फ के खिलौनों को पिघला देते हैं। आग के गोले? अच्छा, इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि मेरा नया इन्वेंशन क्या कर सकता है। फायर! सुनो, एक और भागो! इतनी ठंड से तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अकेले अकेले? हम यहाँ पोर्ट वैली को बचाने के लिए आए हैं, बताओ क्या हाल है? ब्रेन फ्रीजर ने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया है, इसलिए कोई हिल डुल नहीं सकता सिवाय स्नो वॉरियर्स के। और मेयर तो शायद अपना ये इस्तीफा भी दे रहे हैं अभी।
मैंने अपना रेजिग्नेशन साइन कर दिया है, पर क्या तुम ये शहर ठीक से चला सकते हो? क्योंकि सुना है कि तुम्हें साइकिल भी ठीक से चलानी नहीं आती। जिस दिन तुम्हें कहीं जाना होगा तो फोन कर देना, मैं तुम्हें डबल सीट ले जाऊंगा। मुझे अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाने। -50 डिग्री में सारे हथियार बर्फ से जम गए हैं, हमें इन सूमैन्स को पिघलाने के लिए गर्म भट्टी यंत्र की जरूरत होगी। बहनों, ये काम तो मेरे जैसे सुपर कूल जॉनी और सुपर ड्यूकी का है। हवाई हमले करने के लिए मेरे और ड्यूकी के अंदर गोबर के हमारे पेट में गैस है। म्यूटेंट पावर गो। ठीक है सुपर पूछ, चलो पूछ उठाकर हवा में उड़ाओ। लागत है हमारा बैटरी चार्ज नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि लैंप भी ठंडी हो गई है। जॉनी की गर्म गोबर गैस पावर को दोबारा रिफिल करने के लिए हमें किसी और एनर्जी की जरूरत होगी। अपल एनर्जी गलम होनी चाहिए, बहुत गलम। हम समझ गए। मिस्टर गिल, प्लीज हमारे साथ चलो। ये देश की देश के लिए तो मेरा शरीर हाजिर है। जल्दी बैठ बैठ कर कमर दुख रही है। तुम्हारा प्लान तो काम करेगा ना मैडम? ओह हाँ, ये लो डबल बैटरी पहन लो। चलो दिखाओ। हे, हमारा पावर वापस आ गया। सुपर पूछ, हल्का रहो। भाइयों और उनकी बहनों, इससे पहले कि पोग बेली का नाम बदलकर बर्फ गोला सिटी हो जाए, आइए सब मिलकर प्रे करें कि आसमान से कोई फरिश्ता आए और नीचे आकर हम सब लोगों। ऐसा कभी नहीं होगा, चल टाइम खोटी मत कर वरना तेरी यही कुल्फी जमा दूंगा। हाँ, ये तो वही हीरो है जिसने हमें पिछली बार बचाया था। तुम तो गए गन से स्नोमैन, मैं टाइम खोल करके आया हूँ। तब फिर खड़े हो गए। इतना जोर मत लगाओ जॉनी एक, तुम्हारा गोबर गैस ब्लास्ट मेरे पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। जब तेरे को चपड़ चपड़ करते रहते हो, जरा तक फोन दीजिए। हेलो, पर बैटरी डाउन है और फोन भी जम चुका है। हेलो, खड़े खड़े लैब में कैलकुलेशन कर लिए हैं, थोड़ा और जोर लगाओ और निशाना 90 डिग्री पर लगाओ। हाँ ठीक है, पहले पंप से हमला करूँ, ड्यूकी ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, समझ गया। ये तो फोन मैं भी थक गया हूँ, इसलिए इस बार फुल एंड फाइनल पोक वैली को मैं बर्फीला शहर बना दूंगा। जॉनी, मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स जानता हूँ, तो हार मान लो। भूलो मत, जॉनी बन जा सच्चा था। इसमें तो आग लग गई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस डॉगी को पकड़ लो, वो अपने आप हार मान लेगा। पकड़ लो इस सुपर पूछ को पूछ से। इसके पास भी भेस बदलने वाली पावर्स आ गई। अब क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैं एक जीनियस हूँ, इस बार 100% जीतने का चांस मेरा था। पिघलने का वक्त आ गया बर्फ के बोलो। तुमने मेरे प्लान को ठंडा कर दिया जॉनी टेस्ट, मैं बदला लेने जरूर आऊंगा, संभल के रहो। तुम हमेशा सही टाइम पर टपकते हो जॉनी, तुमने हमारी ठंडी पोक बिल्ली में फिर से एक बार गरम गरम धूप खिला दी, अब हम फिर से कल का सूरज देख पाएंगे। हमारा मजा तो गया। तुम पिघली बल्ब की तरह उदास क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझे बर्फ के साथ खेलना था, बर्फ से गोले बनाकर। अच्छा, मुझे मारा तुम भी खाओ। लग रही है, जैकेट पहन लो। नहीं।
हाँ मियाँ आप तो अंकल बोल दे। नहीं। बोल बोल अंकल। कभी नहीं। बोल मियाँ बोल भी देना अंकल। मैं अंकल कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं। अच्छा हाँ तो ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बार मैं तुझसे अंकल बुलवा कर ही रहूँगा, समझे मियाँ जानी। क्या मियाँ जल्दी से अंकल बोल वरना दूसरा बुड्ढा भी तेरे ऊपर ही होना। एक मिनट जरा सोचने दो मुझे। कभी नहीं। और प्रैक्टिस करो। बम्पर चाहता है कि तुम अंकल बोलो, बिल्ली भी चाहती है। बम्पर की पार्टनर। फिर देर किस बात की है? चल मियाँ अंकल बोल भी दे। देखो बोला ना अंकल होना। नहीं अब तुम बोलो अंकल। भागो, नहीं बचाओ, मेरे को अंकल होना, अब मेरे को फूका रखो मारो, ओ यारो, कोई तो मेरे को बचाओ। इबार, चला, अब अंकल बोला, चला। हमें इस खेल में कोई नहीं हरा सकता, हम दोनों इस खेल के खिलाड़ी हैं। ये बतावा कि ये अंकल बोला खेल आखिर है का, ये कौन शुरू किया और ये खेल एक दूसरे को टॉर्चर करने का कौन फंडा है का? किसे पता, मुझे बस इतना पता है कि इस खेल में हमारा बोलबाला है, और किसी दिन ये खेल में तुम्हारे साथ भी खेलना चाहूँगा। हम भी, पर मुकाबला बराबरी का हो तो मजा आई है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। हम दोनों में कड़ा मुकाबला हुई, नेकवा टू नेकवा फाइट, और लास्ट राउंड में हम ही जीतूंगा। क्या कहा? यही सच्चाई है बबुआ। हम रीत धाकड़ बॉडी और डोलों के साथ आसानी से पूछ लाइक। ओ चंपक, अपनी मुंह से अपनी तारीफ मत करो। हिम्मत है तब मैदान में आवा। तो फिर आ जाओ। बोला अंकल। हाँ बोला अंकल। बलून को फोड़ते फोड़ते मैं थक गया। हमरे भी पोंगी बच गई। हमें कोई नया वाला बोलो अंकल चैलेंज चाहिए। ये दिखाने पड़ेंगे बबुआ, अगर तू का पूरा खाली है तो का बोलना पड़े अंकल। नमक पास करो। ये तो कड़वा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये जहाँ तक कहाँ से निकला जो तुम लोग मेरे म्यूजिक स्टूडियो में आया मेरा गाना सुनने, मैं एकदम प्यारा गाना बना। अरे बेसुरे जल्दी गा ताकि ये तुझे अंकल बोले। हम नहीं, तुम पहले बोले अंकल, सुन लगावा। मेरी फुलदान, तुम मेरी जान, मुझे को आके तुम्हारी यार, तुमको देखते ही आती है मुझे बोला।
कर रहे हो, दोनों मिलकर घर के कुछ काम किया करो। अगर तुम दोनों के पास कोई काम न हो तो कपड़े धोने में मेरी मदद करो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बेचारी थक गई है, हमका टाइम पास नहीं करने दे रहे हैं। एक दूसरे से झगड़ने से तुम अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दोगे। इसकी आवाज़ में दम है, क्योंकि ये गेम तो हर हाल में ड्यूकी ही जीतेगा। क्या कहा? हाँ, हमने ड्यूकी को नए स्मार्ट तरीकों से कमाल के निंजा मूव देकर बनाया है, इसलिए उसे हराना मुश्किल है। लूजर, तुम अपने एक लौटे भाई के खिलाफ ऐसा क्यों? सुनो, यही सच्चाई है, और ये भी तो सच है कि तुमसे अच्छे कपड़े मैं ही धोती हूँ। तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। ओके, क्या तुम लड़ने के मूड में हो? ज्यादा बोलोगी तो धो डालूंगी। टीम बनाओ। दोनों ही पागल हो गए हैं, खुपड़िया जगह पर नहीं है तो रहा। तुम्हारा भरता बना कर ही रहूंगी, शायद की कसम। देखा जाएगा। तुम्हारे टीम की बैंड बजा दूंगा। जल्दी बोलो अंकल, वरना तुम यही लटक जाओगे। जोरदार झटका दिए जाएंगे, पर भूखा भूखा झटका जोर से लगे। मजेदार है। ये रॉकेट कहाँ से ले आई? बस फैल गए। तुम लोग शायद सही थी, इस गेम में कोई विनर ही नहीं बनता। विनर हम बनेंगे। कसके पकड़ो। चलो अंकल बोले देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अंकल बोलेंगे तो बच जाएंगे, वरना हवा में उड़ जाएंगे हम। सच कह रहा हूँ, बोल दिया। चुप करो गुड़बक, बस देख के जाओ कि इस फैमिली में किसका राज चलता है। हम इस फाइट को लंबा खींच रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं अंकल, बोलो वरना उड़ा दूंगी। पर हम चोट कैसे पहुंच जाओ? क्यों बना रखा है? हम लोग सिर्फ खेल रहे थे, बहनों ने सब गड़बड़ कर दिया। डाटा उन्हें क्या पर शुरुआत तुमने की? तुम्हें ही दिखाना था फैमिली में किसका राज चलता है। तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए पनिश किया जाता है। तो डैड का ही फैमिली पर राज है। बिल्कुल सही। तुम लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि घर का सारा काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, तो तुम्हारी मॉम जो किसी काम को हाथ नहीं लगाती और पूरा दिन घूम कर आती है, उसका राज चलता है यहाँ पर। देखो मैं ये साबित करता हूँ। ओके हनी, अब बोलो अंकल। तुम्हारे डैड अपने आप को बड़े तीस मार खा समझते हैं। तुम क्यों नहीं बोलते हनी? जल्दी बोलो अंकल। हनी, तुम बच्चों के सामने मेरा कचरा कर रही हो, बोलो अंकल, बोलो। तुम्हारा राज चलता है ना, बोलो अंकल। नहीं बोलूँगा। तुम बोलो अंकल। इस गेम में कोई विनर नहीं होता। पर देखने में बहुत मजा आया।